नमस्कार और जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज माय फेसबुक पेज। आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग, संधि यानी ज्वाइनिंग। पहले हम समझते हैं इसकी परिभाषा क्या है और इसके भेद क्या है, उसके बाद हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार हम आसानी से कुछ मिनटों में हम संधि को समझ सकते हैं। सिर्फ अगर वर्णों का ख्याल रखें तो हम आराम से कर सकते हैं संधि का अलग अलग रूप किस प्रकार बदलता है। तो सबसे पहले देखते हैं संधि, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं इसको ज्वाइनिंग। तो किस चीज़ की ज्वाइनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शब्दों की ज्वाइनिंग के नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेटर्स यानी वर्णों की ज्वाइनिंग। यहाँ जो दो वर्णों से, तो यानी हमें दो वर्णों को समझना है, पूर्व पद और उत्तर पद के वर्ण को समझना है। तो पहले देखते हैं इसके परिभाषा को, डेफिनेशन को। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से बने विकार को संधि कहते हैं। अर्थात अगर मैं दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, अर्थात ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। पूर्व पद के जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा है? म। उसके बाद जो उत्तर पद है उसका पहला वर्ण क्या है? आ। हमें इन दोनों वर्ण को ध्यान देना है, यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण, यानी पहले टुकड़े का जो आखिरी में जो अक्षर है, जो वर्ण है, उस वर्ण में कोई मात्रा है कि नहीं है उसको हमें ढूंढना है। उसके बाद दूसरे पाठ के पहले अक्षर पे यानी वर्ण में कौन से मात्रा है वो हमें ढूंढना है। ये दो मात्रा हमें बताएगा कि हमें करना क्या है। जैसे यहाँ पर हिम धन आलय हिमालय बना है, जिसको प्लस कहते हैं, हिम प्लस आलय या हिम धन आलय हिमालय। ये क्यों बना, कैसे बना, उसको हम आगे जानेंगे। हम देखते हैं अभी इसके कई प्रकार हैं। एक स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। स्वर संधि में भी कई प्रकार होते हैं, व्यंजन में भी कई प्रकार होते हैं, तो इसको भी हम आगे एक एक करके समझेंगे। इसको समझने से पहले हमको ये जानना है कि स्वर संधि को इजी प्रोसेस से हम कैसे याद रख सकते हैं। अगर हमें स्वर वर्ण मालूम है तो हम आराम से कर सकते हैं। अभी समझते हैं स्वर संधि क्या है और स्वर संधि किस प्रकार हम पहचान सकते हैं। स्वर संधि को पहचानने के लिए अगर हम इस बॉक्स को पहले बना लें तो आसानी से हम समझ सकते हैं। हर वर्ण में, स्वर वर्ण में हम जोड़ा बनाएंगे एक एक करके। जैसे कि इन दोनों का एक जोड़ा बनता है, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। अगर इस प्रकार हम जोड़ा पहचान लेते हैं तो स्वर संधि हम आसानी से कर सकते हैं। आगे उसका और भी विभाजन बनता है जो आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। अभी एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये दोनों के जोड़ से क्या बनता है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये अ और आ। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये। अर्थात इन दोनों का कुछ भी कॉम्बिनेशन बने उत्तर बनेगा आ, और इन दोनों के कुछ भी कॉम्बिनेशन में, छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों के कुछ भी कॉम्बिनेशन में बड़ी कौन सी है? बड़ी ई। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा कौन सा है दोनों में? यानी बड़ा ऊ। यह उत्तर यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। हमें ये ध्यान रखना है जोड़ बनाते वक्त एक ही तरीके के जो हम बनाते हैं जोड़, तो जोड़ बनाने के बाद देखना है इनमें से बड़ा कौन सा है। ओ और आ पे बड़ा है आ, छोटी और बड़ी में बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में ऊ। इसके बाद फिर इन दोनों का मेल होगा, फिर इन लोगों का मेल होगा, ये आगे हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं इन दोनों का, चाहे अ और आ में आगे पीछे कोई भी हो, चाहे दोनों ये हो, चाहे दोनों ये हो, हमारा उत्तर एक ही बनेगा। उसी को हमें ख्याल रखना है कि उत्तर क्या बन रहा है, उत्तर बड़ा वाला बन रहा है। तो पहले देखते हैं स्वर संधि का पहला पार्ट, जिसको कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने कहा दो वर्ण हैं ओ और आ, इन दोनों के कुछ भी कॉम्बिनेशन में हमें निकालना क्या है? बड़ा वाला। ये बड़ा कौन सा है? आ। अर्थात ओ और आ पे आंसर निकल रहा आ। आगे देखते हैं, तो ये मेरा पहला प्रश्न हो गया परीक्षा का, धर्म धन अर्थ। तो धर्म धन अर्थ में मैं पहला पद के अंतिम वर्ण क्या है उसको देखूंगा, यानी म। यहां पर क्या, कौन सा आवाज आ रहा है जिसमें कोई मात्रा ना हो, तो हम नॉर्मली उसमें अ की आवाज निकालते हैं। क्यों? इसीलिए तो इनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसी को तो व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोले अ आ, उसके बाद ई ई, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है इनको। लेकिन जब हम व्यंजन बोलें, जैसे कि क हो या ख हो या म हो या ल हो, व र, सभी में अ अ अ अ, अर्थात सभी व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अ की सहायता हम लेते हैं। अर्थात जिसमें कोई मात्रा उत्तरा ना हो, तो सीधी बात है उसमें क्या है? अ है। अर्थात इस म में आवाज़ है अ की, यानी हमें पहला मिल गया अ, और अर्थ में पहला वर्ण क्या है वो भी अ, यानी दोनों साइड में अ और अ है, दोनों साइड में अ है। हमें ये ध्यान रखना है
पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उन दोनों में कौन सा वर्ण स्वर वर्ण निकलता है, उन दोनों में क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, क्योंकि इस म पे कोई मात्रा ना है, तो हम क्या बोलेंगे, धर्म धन अर्थ, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, आ लगाएंगे, तो यही धर्म आकर यहाँ पे धर्मा हो गया, क्योंकि ये आ बन गया, दो ओ से ये आ बन गया और धर्मार्थ जैसा वैसा ही है। आगे देखते हैं परम धन अर्थ। परम पहला पद है जिसके अंतिम वर्ण में क्या है, म है, म पे कोई मात्रा नहीं है, अर्थात इसमें क्या है, अ है। उसके बाद अर्थ में तो पहला क्या है, अ है, दोनों साइड अगर अ है तो बनेगा क्या, आ, तो क्या बन गया, परम का बन गया परमार्थ। ये अ इसलिए हट गया क्योंकि ये अ और ये अ मिलकर ही तो ये आ बना, परमार्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं दीर्घ संधि में, देखते हैं अभी अ और आ दोनों साइड में एक ही वर्ण, अभी यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया है तो भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकलेगा तो वही आ, जैसे कि हिम धन आलय, तो हिम धन आलय पे म पे कोई मात्रा है नहीं, यानी म पे कोई मात्रा नहीं यानी अ है। उसके बाद आलय पे हो गया आ, यानी अ और आ दोनों का कॉम्बिनेशन में बड़ा कौन सा होता है, आ, तो इससे क्या बना, हिम का बना हिमालय। देव धन आलय, देव में कोई मात्रा है नहीं, यानी व पे क्या है, अ है, ओ और आ दोनों मिलकर बना आ, तो ये देव का बन गया देवालय, तो हिम का हिमालय, देव का देवालय। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं उसी दीर्घ संधि का अगला भाग, यानी आ और ओ। पहले हमने देखा ओ और ओ से बनकर बना आ, उसके बाद हमने देखा ओ और आ उनका भी बना आ, अर्थात इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो आ ही बनेगा, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, चाहे ये आगे हो या पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बनाना है बड़ा। अर्थात अभी देखते हैं, जैसे कि पहला आ है फिर अ है, दोनों में कॉम्बिनेशन बनेगा आ, तो अगर मैं देखूं विद्या धन अर्थी, विद्या का आया आ, विद्या का आ और अर्थी का अ, यानी दोनों का बना आ, तो क्या बना, विद्या धन अर्थी, तो विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, फिर विद्या धन अभ्यास, विद्या का यहाँ पर मिला हमें आ और अभ्यास का मिला हमें अ, दोनों का बना आ यानी आ की मात्रा, तो बना क्या, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, अर्थात हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ विद्या को जोड़ देना है और इस ओ को हटा देना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आ लगा हुआ है, तो विद्याभ्यास हो गया। आगे देखते हैं, दोनों ओर आ है, दोनों ओर आ है, तो हमारा उत्तर वही आ ही बनेगा, चाहे वो आगे आ हो, पीछे हो, ओ हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों के कॉम्बिनेशन में हमें देखना है कि ये बन क्या रहा है। अभी देखते हैं विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, यहाँ पर भी विद्या का आ है, आलय का भी आ है, दोनों बना आ तो रहेगा वही आ, विद्या लय। और दया धन आनंद, दया का आ है, आनंद का आ है, दोनों पे बना आ है, यानी दया धन आनंद, दयानंद। और ये हो गया दीर्घ संधि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, ओ और आ का। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई का कॉम्बिनेशन क्या क्या बनता है। अभी आगे देखते हैं, अभी बन गए दो, पहला वर्ण, पहला जोड़ी ख़त्म, अभी दूसरी जोड़ी, अर्थात छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों की जोड़ी में क्या निकल आता है उत्तर, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, यानी बड़ी ई, यानी इन दोनों का कुछ भी कॉम्बिनेशन बने आंसर यही निकलेगा, चाहे छोटी ई दोनों साइड हो तो भी बड़ी ई, चाहे बड़ी ई दोनों साइड हो तो भी बड़ी ई, चाहे पहले एक छोटी दूसरी बड़ी या फिर ये बड़ी ये छोटी, तो भी उत्तर वही निकलना है यानी बड़ी ई। तो हम देखते हैं कभी बड़ी ई की मात्रा कैसे है, जैसे अगर छोटी ई और छोटी ई दोनों साइड हो तो बड़ी ई बिंदु, जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र में क्या आ रहा है, रवि में छोटी ई है, इंद्र में छोटी ई है, दोनों छोटी ई, ये छोटी ई की मात्रा और ये छोटी ई दोनों मिलकर बने रविंद्र, यानी ये जो छोटी ई थी ये बन गई बड़ी ई की मात्रा, बन गई रविंद्र। आगे देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई, उत्तर वही बनना है बड़ी ई। तो गिरी धन ईश में हमने क्या देखा, क्योंकि चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों के कॉम्बिनेशन ज़रूरी ये है कि पहले पद के अंतिम वर्ण क्या है और दूसरे पद के पहला पूर्व यानी पहला वाला वर्ण क्या है, ये दोनों वर्ण में क्या है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो छोटी बड़ी मिलकर क्या बनती है, बड़ी बनती है, यानी जो गिरी की छोटी ई थी अभी गिरी की बड़ी यानी गिरीश। उसके बाद बड़ी ई आगे है, छोटी ई बाद में है, तो भी हमारा आंसर तो यही बनेगा बड़ी ई, जैसे मही पे बड़ी ई, इंद्र पे छोटी ई, तो मही धन इंद्र,
महेंद्र, नॉट महेंद्र, जो महेंद्र होता है वो दूसरा है, मैं आगे आगे देखते हैं उसको समझते हैं। ये महा का मही का महेंद्र, क्योंकि बड़ी ई ऑलरेडी लगी हुई है तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी ई है तो वो बड़ी ई बनेगा। कॉम्बिनेशन दोनों में हमें ये याद रखना, बड़ी अगर रहेगी तो बड़ी रहेगी, वो छोटी कभी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर दोनों साइड में हम देख सकते हैं बड़ी ई है तो उत्तर वही बननी है, बड़ी ई। नदी धन ईश, तो हमें करना कुछ नहीं है, एक बड़ी ई को हटा दो क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन वही बनना है, नदीश। ये बन गया छोटी ई और बड़ी ई का कॉम्बिनेशन। आगे देखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ का कॉम्बिनेशन। अभी देखते हैं हम आगे दीर्घ संधि का आखिरी पड़ाव, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इस दोनों के कॉम्बिनेशन में चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटा आगे हो, बड़ा आगे हो, दोनों छोटा हो, दोनों बड़ा हो, हमें उत्तर करना है बड़ा ऊ। जैसे अ आ और छोटी बड़ी में एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। हमें बस ध्यान रखना है कि ये जोड़ी किस प्रकार बनती है। दोनों साइड छोटा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ, दो एक छोटा एक बड़ा तो भी बड़ा, एक बड़ा एक छोटा तो भी बड़ा, दोनों और बड़ा तो भी बड़ा। तो देखते हैं भानु धन धय, भानु धन उदय, जब भानु पे छोटा ऊ है, उदय पे छोटा ऊ है, दोनों ऊ से बना बड़ा ऊ। ये जो छोटा ऊ बनना था वो बन गया छोटा और बड़ा ऊ, यानी भानु धन उदय भानुदय, भानु यानी सूर्य। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ में देखते हैं, लघु में छोटा है, उर्मी में बड़ा है, लघु और ये बड़ा, यानी हमें देखना है कि छोटा हो या बड़ा हो, दोनों में से दोनों और ऊ है तो बड़ा बनना ही है, तो लघु धन उर्मी, तो बन गया लघुर्मी, क्योंकि ये जो छोटा ऊ था वो बन गया बड़ा ऊ। यहाँ है बड़ा ऊ और छोटा ऊ, चाहे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो बनेगा वही बड़ा। वधू धन उत्सव, यानी वधूत्सव, ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है वो बड़ा ही रह गया, क्योंकि ये छोटा बड़ा मिलकर बनेगा तो वही, तो उत्तर वही बनेगा वधूत्सव। आगे देखते हैं बड़ा ऊ और बड़ा ऊ में क्या बनता है। वधू धन ऊर्जा, वधू धन ऊर्जा, यानी इसमें बड़ा ऊ है, इधर भी बड़ा ऊ है, दोनों बड़ा ऊ से क्या बन रहा है, बड़ा ऊ, तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी इस ऊ को हमें हटा देना है, इस ऊ को हटा दो, आंसर खत्म, वधू ऊर्जा। अर्थात हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दीर्घ संधि में ओ और आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो ये आपस में ही मिल जाता है ऐसे करके। तो आपस में क्या मिलता है कि दोनों वर्ण में देखेंगे हम लोग, दोनों में छोटा हो या बड़ा, आगे पीछे अगर होता है तो भी, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये, इनमें से बड़ा कौन है, ये, इनमें से बड़ा कौन है, ये। तो हमने ये देखा कि ये क्या उत्तर बन रहा है। अभी हम देखेंगे आगे, इतना देर हमने ये समझने की कोशिश की कि जोड़ा किस प्रकार बना, जोड़ा, अभी इस जोड़े में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आएगा, कैसे, थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। जैसे कि अगर हम छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ फिर री, उसके बाद हमने देखा ए, ए, ओ और औ, ये, तो ये जोड़ा, ये जोड़ा पहले आप अगर कॉपी में सर्कल बना लेते हैं आपको समझने में आसानी होगी, फिर ये जोड़ा, ये ख़त्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को इनसे जोड़ेंगे, इन दोनों को इनसे जोड़ेंगे, इन दोनों के जोड़ से क्या बना। तो पहला जोड़ा ये, पहला जोड़ा में बड़ा ये बना, दूसरे जोड़ा में ये पहला, दूसरे वाला, तीसरे में ये। अभी हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़कर हमें नीचे वाले लाइन पे एक एक करके आना है। कैसे आते हैं अभी हम आगे देखते हैं। अभी गुण संधि, पहला हमने देखा दीर्घ संधि, अब हम देखेंगे गुण संधि क्या होता है। दीर्घ संधि में हमने क्या देखा, हमने देखा दोनों का जोड़ बनाया, हमने इस प्रकार हमने जोड़ बनाया, चाहे वो छोटा छोटा हो, दोनों का बना है बड़ा वाला आंसर निकलता है, यहाँ पर भी बड़ा वाला, यहाँ पर भी बड़ा वाला। अब हम क्या करेंगे, हम अभी स्वर वर्ण को समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार सीरियली हम इसको प्लेस करते हैं उसके बाद समझते हैं कि आगे आगे कैसे लेकर जाना है। अगर स्वर वर्ण को हम लोग प्लेस करते हैं इस प्रकार, तो हमारा बनता है इस प्रकार से, हम इसको लिखते हैं, यानी अगर हम स्वर वर्णों को प्लेसमेंट को अच्छी तरह से समझे, पूरा संधि हमें समझ में आता है। इन दोनों का हमने जोड़ बनाया ये, अर्थात ये दोनों का जोड़ बना, इन दोनों का जोड़ बना, इन दोनों का जोड़ बना। अब हम करने वाले क्या हैं, अभी हम इन दोनों को इन दोनों से जोड़ेंगे, अर्थात हम जोड़ेंगे ओ आ और छोटी ई और बड़ी ई, और इन दोनों के जोड़ में से, अर्थात अ से छोटी ई हो या अ से बड़ी ई हो, आ से छोटी ई हो या आ से बड़ी ई हो, कुछ भी हो, हमारा क्या बनेगा इस जोड़ी का, ये पहला वाला फ्री वर्ण अर्थात ये ए बनेगा, इसकी मात्रा क्या है, ये।
तो हम समझते हैं सीरियली एक एक करके, एक एक मात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए अ और छोटी ई, अर्थात पूर्व पद के अंत में अगर अ है और उत्तर पद के शुरुआत में अगर ई है, जैसे कि ए आया, ए का मात्रा क्या है, ये बनेगा, ये इसकी मात्रा है। तो देखो नर धन इंद्र में नर पे र है, अ पे कोई मात्रा नहीं, अर्थात इसमें क्या है, अ है। इंद्र में छोटी ई है, छोटी ई, तो हमने क्या देखा, ओ आ आगे है, ओ और आ ये दोनों आगे हैं और पीछे छोटी ई और बड़ी ई, कोई भी हो, दोनों में कोई भी हो, अगर हमने देखा ओ और आ दोनों में से कोई एक आगे है और छोटी ई और बड़ी ई में से कोई भी दोनों पीछे हैं, दो इनके कॉम्बिनेशन में बनेगा ए, यानी इसकी मात्रा बनी ए। तो गौर से अगर देखा जाए, नर पे र है, इंद्र पे ई है, अ और ई से बना ए, यानी वो जो नर था वो बना नरे, क्योंकि ए बना नरेंद्र बन गया। आगे देखते हैं देव धन इंद्र में, देव में व है, व पे कोई मात्रा नहीं, अर्थात इसमें क्या है, अ ओ है, और इंद्र में क्या है, छोटी ई है, तो ओ और छोटी ई से बनकर क्या बनता है, बनता है ए, यानी इसकी मात्रा क्या है, ए, ए की मात्रा, तो बना ये देव का बना देवेंद्र बन गया, देवेंद्र। आगे बढ़ते हैं, ओ आगे है, अभी छोटी बड़ी ई है, पहले हमने देखा ओ के साथ छोटी ई थी, अभी अ के साथ बड़ी ई है, फिर भी उत्तर वही बनेगा, ए की मात्रा या फिर ए। जैसे नर धन ईश, तो हमने र पे कोई मात्रा है नहीं, तो क्या मिला हमें, अ, और ईश पे है बड़ी ई, तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, आगे ओ हो या आ हो, मिलेगा वही ए, तो बना नर धन ईश का बना नरेश, और ए की मात्रा बन गई, नरेश बन गया। आगे देखते हैं परम धन ईश्वर, म पे कोई मात्रा नहीं, अर्थात इसमें क्या है, अ, ईश्वर पे क्या है, बड़ी ई, बड़ी ई, तो अ और बड़ी ई क्या बना, वही परम, परम का बना परमे, ए की मात्रा परमेश्वर, यानी अर्थात ये इसका अ और इसका ई से बना ए, परमेश्वर। अभी आगे बढ़ते हैं, पहले हमने देखा दोनों साइड में पहला क्या था, अ था, उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई, चाहे कॉम्बिनेशन कुछ भी हो हमें यही बनाना है। अभी दोनों आगे क्या है, आ, आगे क्या है, आ, और पीछे क्या है, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, अ छोटी ई हो या बड़ी ई हो, आ छोटी ई हो या बड़ी ई हो, घुमा फिरा कर हमें लिखना है वही ए की मात्रा, ए की मात्रा। तो जैसे महाधन इंद्र में हमने क्या देखा, महा का आ है, आ, और इंद्र का छोटी ई है, तो छोटी ई और आ ये दोनों मिलकर क्या बना, ए की मात्रा, यानी महा का बन गया महेंद्र, ये महा का महेंद्र बना, और रमाधन इंद्र का रमेंद्र बना, क्यों, क्योंकि मा का आ है, इंद्र का छोटी ई है, आ और छोटी ई से बने रमेंद्र, ए रमेंद्र। अंतिम देखते हैं आ और बड़ी ई, यानी पहले हमने देखा आ के साथ छोटी ई, अभी हम आ के साथ बड़ी ई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वही बनेगा ए की मात्रा, यानी महा पे आया आ, ये रहा आ, और ईश का ये रहा बड़ी ई, तो आ और बड़ी ई, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ओ हो या आ हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मालूम है क्या बनेगा, ए की मात्रा, तो महा का बन गया महेश, महेश, महेश यानी भोलेनाथ। रमा धन ईश, रमा धन ईश, रमा पे आ है, ईश पे बड़ी ई है, आ और बड़ी ई बना ए, तो ये बना रमेश। तो इस प्रकार हम संधि क्या है, संधि के भाग हमने दो देखा है, यानी दीर्घ संधि और हमने देखा है गुण संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उसके आगे के कहानी को। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।